स्टार्टिंग इसके वेरिएंट से करते हैं, इसका वेरिएंट्स बता दें हमें। सबसे पहले जो इसके नॉर्मल i20 है, मैग्ना, स्पोर्ट और एस्टा, वो तीनों का प्राइस के बारे में सर, डाउन पेमेंट सर बताइएगा आप हमें। और साथ ही साथ अब चलते EMI भी पूछ लेते हैं सर से। तो गाइस अब बात करेंगे इसके बुकिंग चार्ज पे। तो दोस्तों आज आप अपने सामने देख सकते हो हुंडई i20, ये 2023 वेरियंट आपका रहने वाला है और इसमें बहुत सारे वेरियंट आते हैं। ये जो सेपरेट वेरियंट आप देख रहे हो ये एन लाइन है और भी सारे वेरियंट आते हैं। और आज इस वीडियो में हम पूरा इसका डाउन पेमेंट, EMI, ऑन रोड प्राइस, हर वेरिएंट का आपको कवर करके पूरा फुल डिटेल आपको बताने वाले हैं कि आपका मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कितना आने वाला है, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हो, वो चाहे आपका प्राइवेट जॉब वाले हो, सबके लिए सेम रहेगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले अतुल सर से। अतुल सर स्टार्टिंग इसके वेरिएंट से करते हैं, इसका वेरिएंट्स बता दें हमें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अभी आपने जो पिक्चर देखा ये एन लाइन लगी हुई है जी सर, और इसमें हमारा दो ही वेरिएंट आता है N6 और N8 जी सर। जो कि N6 का जो एक्सोरूम की बात करें तो 774,000 से स्टार्ट है और जो N8 है वो आपका 854,000 में आएगा। 8 लाख में एक और है i20, जो नॉर्मल i20 हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारा वेरिएंट आता है जैसे मैग्ना, स्पोर्ट, आस्टा और आस्टा ऑप्शनल जी। आस्टा ऑप्शनल आपका टॉप मॉडल हो जाता है और मैग्ना यहाँ स्टार्टिंग मॉडल बेस मॉडल, जो कि मैग्ना हाँ बेस मॉडल बोल सकते हैं। और इसका जो बेस मॉडल है 7,07,400 से स्टार्ट है मैग्ना का, और आपका जो इसका आस्टा ऑप्शनल जो टॉप मॉडल है वो 9,58,000 का एक शोरूम आएगा। तो सर इसका बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस है, मतलब कि एन लाइन का। तो पहले सर एन लाइन का ऑन रोड प्राइस बता दीजिए हमें। एन लाइन में आप N6 IMT की बात करें तो ऑन रोड आपका प्राइस आ जाता है 11,74,000 जी सर, और N8 जो टॉप मॉडल है वो आपका 13,03,000 में आ जाएगा जी सर। और इसमें एक और मॉडल आता है ये DCT ऑटोमेटिक में, अगर ऑटोमेटिक लेते हैं जी सर, तो आपका ये 14,11,000 का ऑन रोड आएगा, 14,11,000 का। अब बात करते हैं गाइस जो इसके नॉर्मल i20 मैग्ना, स्पोर्ट और एस्टा, वो तीनों का प्राइस के बारे में सर, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए मैग्ना का अगर नॉर्मल i20 की बात करें तो मैग्ना मॉडल का ऑन रोड प्राइस है 8,32,000 जी सर। स्पोर्ट्स मॉडल का है 9,34,000 जी सर। आस्टा मॉडल का है 10,43,000 जी सर, और आस्टा ऑप्शनल का है 11,26,000। तो दोस्तों प्राइसिंग तो आपने सुन लिया, अगर आपको अपने स्टेट का प्राइसिंग जानना है तो प्लीज कमेंट करें, आपको कमेंट में आपके स्टेट का प्राइसिंग मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, अभी तो हमने ऑन रोड प्राइस कवर कर लिए, अब बात ही है इसका डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट सर बताइएगा आप हमें मैग्ना से। देखिए डाउन पेमेंट काफी मिनिमम है जी सर, ये प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट प्रोफाइल है तो आप 95% तक भी हमारा यहाँ से आप लोन फाइनेंस लोन करा सकते हैं। हाँ, हमारे सारे बैंक से टाई अप है जी सर। और अगर बिजनेस प्रोफाइल भी है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है बैंकों के द्वारा, अगर वो फुलफिल होता है तो उसमें भी आपको 95% तक लोन मिल सकता है। तो चलते हैं पहले मैग्ना के डाउन पेमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सर मैग्ना का डाउन पेमेंट बता दीजिए हमें। देखिए मैग्ना का डाउन पेमेंट अगर गवर्नमेंट प्रोफाइल की बात करें जी सर, 1,24,000 आपका मिनिमम डाउन पेमेंट, 1,24,000 जी सर। विदाउट गवर्नमेंट जॉब के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए तो 2,08,000 तक आपका जाएगा डाउन पेमेंट, 2,08,000 मैग्ना का है जी सर। और स्पोर्ट्स की बात करें तो 1,40,000 आएगा आपका डाउन पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और बाकी प्राइवेट प्रोफाइल के लिए आपका जो है कि 2,33,000। आपको समझ लो यार, 8-9 लाख की गाड़ी आपको 1 लाख में मिल रही है। अब आप बोलोगे इस पे 1 लाख आना चाहिए आपका, 1 लाख तो आप जरूर करो। और साथ ही साथ अब चलते EMI भी पूछ लेते सर से। तो सर EMI भी बता दीजिए हमें मैग्ना का। हाँ, EMI अगर बात किया जाए कि 7 ईयर्स का अगर टेन्योर आप लेते हैं जी सर, 11,200 का EMI आएगा, 11,200 जी सर। अगर आप 5 साल में लेते हैं तो वही 15,000 के लगभग में, 15,000 के लगभग में आ जाएगा। तो सर मैग्ना का है, मैग्ना का है। स्पोर्ट का सर, स्पोर्ट्स का बात करें तो 7 ईयर्स में 12,615 रुपया लगभग आएगा, 12,000 जी सर। 5 साल में अगर करते हैं तो 16,300 का, 16,300 का कम से कम आएगा। अब बात करते हैं शोरूम की डिटेल के बारे में, ये शोरूम कहाँ है सर, शोरूम कहाँ होगा हम लोग का। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं अतुल गोस्वामी और मैं कृष्णदेई में हूँ। जो हमारा शोरूम है अनिशाबाद के पास, एक चंद्रवंशी नगर पड़ता है, आप तेज प्रताप नगर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि नियर बाई ही है जी सर। और यहाँ पे ही हमारा सिचुएटेड है कृष्णदेई। आप मैप पे डालेंगे तो चंद्रवंशी नगर कृष्णदेई करके सर्च करेंगे तो आपको मैप में ही मिल जाएगा। तो सर आप अपना नंबर भी बोल दें। हाँ, मेरा नंबर है, अगर किसी को भी अगर हुंडई की गाड़ी के रिगार्डिंग अगर कोई भी बात करनी हो, कोई भी अगर क्वेरी हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है 8918976639। तो गाइस आपको सर का नंबर भी मिल गया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, सर डॉक्यूमेंटेशन भी बता दें हमें। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोफाइल के लिए KYC तो लगता ही लगता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज लगेंगे और सैलरी स्लिप लगता है, फॉर्म 16 है,
बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने के लगेगा जिसमें उनकी सैलरी क्रेडिट हो रही है और जरूरत पड़ने पर बिजली बिल भी लिया जाता है। बिजली बिल भी लिया जाता है। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर के लिए तो हम लोग NIP नॉन इम्प्लॉय भी करते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट और बिजली बिल लेके। और बिजनेस प्रोफाइल के लिए जो है कि एक दो डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रिक्वायर होता है, जैसे ITR, कंपटीशन, बैलेंस शीट, GST, ये सब प्राइवेट वाले के लिए। तो गाइस, अब बात करेंगे इसके बुकिंग चार्ज पे, कि इस पे बुकिंग चार्ज भाई ऐसे तो आती नहीं है, बुक कराना पड़ेगा आपको। तो सर, बुकिंग चार्ज कितना लगने वाला है हमारा? ऐसे तो देखिए, ऑनलाइन और शोरूम विजिट करने का अलग अलग है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हर एक गाड़ी का अलग अलग है। जैसे i20 का 11,000 से बुकिंग होती है। जी सर, CTB के थ्रू क्लिक टू बाई बोलते हैं उसको। और अगर डीलर में आते हैं तो हम लोग 5,000 से भी मिनिमम बुकिंग अमाउंट लेते हैं। ले लेते कोई भी कलर पे सर? कोई भी कलर, ऑनलाइन पे भी? कोई भी कलर हो, कोई प्राइस चेंज नहीं होगा, सबका सिमिलर प्राइस रहता है। जो कलर कोई भी आप चूज करें उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो दोस्तों, साथ ही साथ अभी इंटरेस्ट रेट पे भी बात होगी, तो सर इसका ROI कितना लगने वाला है हम लोग का डाउन पेमेंट? ROI मिनिमम 8.5 से है। 8.5 सिविल बेस्ड है, 750 के ऊपर अगर सिविल है जी सर, तो 8.5 से आपका सिविल के अनुसार आपको ROI लगेगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें मैंने पूरा आपको फाइनेंस डिटेल कवर कर दिया है। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।